आज के सीन में रजनी की रसोई ख़राब करने जा रहे हैं। रजनी प्लान करती है कि वो खीर बनाएगी सबके लिए फैमिली में, तो शौगता ऐसा सोचती है कि एक काम करते हैं, उसकी खीर में नमक मिला देते हैं। बट क्योंकि रजनी रोबोट है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो वो हमें ओवर स्मार्ट कर देती है। तो वो क्या करती है, वो वापस आती है और हमें ही बोलती है कि चलिए ठीक है, आप नमक मिलाने आए हैं, हम जानते हैं ये चीज़, और आप नमक मिलाइए। वो ज़बरदस्ती हमसे नमक मिलवाती है, और तभी हमारे जो डैड हैं उनकी एंट्री हो जाती है, तो फिर हम नमक नहीं मिला पाते। तो मैंने जो प्लान किया होता है वो सारा उल्टा पड़ जाता है मेरे पे। अरे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि एक तो हम चारों की चारों लड़कियाँ सीन में थे, तो हमारे डायरेक्टर तो बहुत परेशान रहते कि जहाँ चार लड़कियाँ मिल जाती हैं वहाँ बातें ही नहीं ख़त्म होती है। तो हम लोग बातें करे जा रहे थे, खूब गॉसिपिंग चल रही थी हम लोग बहुत मस्ती करते हैं जब चार लड़कियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। तो हाँ, मेरे को जब टाइम मिलता है सच में, मैं कभी भी ऐसा हो गया कि शूट से फ्री हो गई जल्दी, तो अपनी फ्रेंड्स के पास चली जाती हूँ, खूब मस्ती बातें ये सब चलती रहती हैं। कौन सा? अरे सिर्फ लड़कियाँ नहीं, हम तो जब फ्रेंड्स मिलते हैं तो फिर हम लड़कों को भी छेड़ते हैं, खूब उनको मारते पीटते हैं। लड़कियाँ सब मिल जाती है तो उनका गर्ल पावर बन जाता है, तो सिरानों से पीटना वीटना, उनको छेड़ना, उनकी बातों पे उनकी लेग पुलिंग करना, खूब मस्ती करते हैं। आगे का प्लान तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अभी फ़िलहाल तो हम गिव इन नहीं कर सकते कि क्या क्या प्लान है। बट हाँ, शौकता करती रहेगी कुछ ना कुछ ट्राई, कि किसी तरह से रजनी को वो चकमा दे दे, कुछ मज़ा सिखा दे, मज़ा चखा दे। ज़रूर, आपने इतना प्यार दिया है, हम मतलब हम लोग इस वक्त लाइफ ओके के नंबर वन शो हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड यू कीप वॉचिंग अस। हम जानते हैं कि आप हमें प्यार करते हैं, आप बहुत हंसते हैं हमारे जोक्स पे, इसलिए इसी तरह से हम यही कोशिश करते रहते हैं कि आपको इसी तरह से हंसाते रहें और नंबर वन रहें। आप देखते रहिएगा बस।